जमशेदपुर भी देख लिया और आज रांची भी चलते भाई देख लेंगे। रात में हम जहाँ रुके थे भाई, ये रही अपनी पार्किंग और अपनी गाड़ी भाई यहाँ पे लगाई थी किनारे में, क्योंकि लाइन से गाड़ियाँ यहाँ पे लगती हैं। तो ये भाई पार्किंग रही। तो रात में हम 8:30 बजे के आसपास यहाँ पे रुक गए थे और गाड़ियाँ भी बहुत कम थी रात में भाई, गाड़ियाँ आई कितनी और चली गई। फिलहाल हम बचे हैं और कुछ गाड़ियाँ जो लेट में आई हैं ना, ये बची हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और भाई गाड़ी से का प्रेशर पहले बनाते हैं, उसके बाद भाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाड़ी का प्रेशर बनेगा तभी तो भाई गाड़ी आगे बढ़ेगी, तभी तो अच्छे अच्छे व्यू दिखेंगे। तो आ जाओ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना और एक बार टायरों पर नज़र मार के आगे बढ़ते हैं। ये भाई देखो, मैन का घोड़ा है, मैन का जो भी भाई खतरनाक भाई पावर होती है इसमें। और प्लस इंडिया में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी ये सक्सेस नहीं हो पाया था, तो इसके लिए इंडिया से चला गया। फिर भी भाई अभी देखो कितना टूटा फूटा हो गया, फिर भी ये भाई अच्छा खासा ओवर लोड लेके चल रहा है। तो भाई यही भाई मैन का घोड़ा ना विदेशों में राज कर रहा है, अच्छा खासा चलता है भाई, लग्जरी ट्रक बनाता है मैन का घोड़ा। फिलहाल अपने टायर हो गए चेक, अब निकलते हैं आगे, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम भी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। 200 किलोमीटर अभी हमें चलना है, बीच में घाट है, ये घाट में देखो जाम लगता है या नहीं। भाई एक बार रोड देखो, कुछ ध्यान दे रहे हो रोड पे? तो ये जो निशान दिख रहे हैं ना पीली पट्टी के, देखो तीन पट्टियां हैं, तीनों पट्टियों पे भाई कहीं पर भी निशान कटा हुआ नहीं है। ठीक, सारा जो भी है ना सब स्टेट है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? तो भाई इसका मतलब यही होता है कि आप लाइन चेंज नहीं कर सकते, इस लाइन से उस लाइन नहीं जा सकते। ये ज़्यादा करके यहाँ पे दिया है, यानी पहाड़ तो नहीं दिख रहा है फिर भी दिया है, और ज़्यादा करके ये आपको चिन्ह मिलेंगे भाई ये पहाड़ी इलाकों में, हिल्स एरिया में आपको ये ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भाई आप लाइन चेंज नहीं कर सकते। अब देखो भाई कट का निशान दे दिया, तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको रोड पे ज़्यादा करके ध्यान देनी है कि कहाँ पे कौन सी लाइन बन रही है, कौन सी पट्टी है और क्या भाई चिन्ह दिया है। तो अभी हम इस टाइम बता दें आपको लोकेशन, धलभूमगढ़ करके नाम है, थोड़ा सा आधा आधा कट के नाम है ना, इसके लिए धलभूमगढ़ ऐसे करके आ रहा है, तो भाई ये नाम है यहाँ का। अभी देखो कट भाई गायब होने वाला है, देखिए अब कब कट खत्म, आप लाइन चेंज नहीं कर सकते। वैसे आपके ऊपर है रिक्स है, तो भाई कट भाई चेंज करो लाइन। वैसे जो नियम है ना इस पट्टियों का यही होता है कि अगर जहाँ पे कट है वहाँ पे भाई आप चेंज कर सकते हो लाइन, जहाँ पे कट नहीं वहाँ पे नहीं। अभी देखो सीधी लाइन है, अभी आगे से फिर से कट आ गया, ठीक इस बात का ध्यान देना। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जमशेदपुर। तो भाई यह है जमशेदपुर का चौराहा, और सिटी के लिए भाई अंदर जाया जाता है चौराहे से, यानी गोल चक्कर से, और बीमना लेक भाई वैसे लेक जो नाम है ना वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पड़ता है, तो लेक ही होगा मेरे हिसाब से, जो कि इस साइड में देख ही सकते भाई पहाड़ वगैरह है, तो मेरे हिसाब से अच्छा लेक होगा। तो भाई बताना आप जमशेदपुर से हो कि कौन सा लेक है और कैसी उसकी भाई नेचर सुंदरता है। अभी हम इस सर्कल से सीधा चलते हैं, वैसे भाई सर्कल है तो थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। ये है भाई जमशेदपुर, वैसे मैंने नाम बहुत भाई सुना था जमशेदपुर, ठीक आज आ भी गया। और यार वैसे हम लोग ज़्यादा देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके हाईवे पर ही रहते हैं और हाईवे से भाई जगह मिलता नहीं कि हम लोग सिटी में जाएँ। ठीक, इसके लिए भाई आज बाहर से जमशेदपुर भी देख लिया और रांची का भी बहुत नाम सुना था, आज रांची भी चलते भाई देख लेंगे अपना रांची कैसा है। तो आ जाओ धीरे धीरे करके भाई जमशेदपुर पार करते हैं। फिलहाल यार पहाड़ी इलाकों में ना मुझे तो अच्छा लगता है, आइए बता पाएंगे भाई पहाड़ी वाले कि कैसा लगता है उन लोगों को। फिलहाल जो पहाड़ी में नहीं रहते तो उन लोगों को भाई बहुत अच्छा लगता है एक बार जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो एक बार हम भी आ गए और ऊपर से भाई देख लिए, ऊपर से लिए, इसलिए भाई कि हाईवे से बस देख देख के भाई मन खुश हो जाता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। देख ही सकते हो
ब्रेक लेना नहीं है, धीरे धीरे आराम आराम से चलते रहो। भाई देख ही सकते सामने, भाई भाई सुंदर सा नजारा है। मैं तो भाई खुश होता हूँ यार ऐसी जगह देख के। आ जाओ आराम आराम से ना, निकलते हैं। जिस हिसाब से भाई जगह दिख रहा है ना, उस हिसाब से तो भाई खुशी हो रही है क्योंकि सामने घाट आ गया। और घाट तो ऐसा है भाई, पूरा भाई पहाड़ पहाड़ से भरा हुआ। आप देखते रहो और बताते रहना कमेंट में भाई कौन सी जगह कहाँ पे अच्छी लगी। और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक। आ जाओ भाई आगे का नज़ारा देखो भाई, ये नेचर की कैसे है जमशेदपुर का। भाई यार मेरी खुशी कम नहीं हो रही है जिस हिसाब से ना यहाँ पे पहाड़ दिख रहे इतने बड़े बड़े। यार सच बता रहा हूँ, आप बताओ भाई आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे तो भाई बहुत यानी खुश हूँ क्योंकि ऐसे ऐसी जगह है ना भाई, देखो चारों तरफ भाई पहाड़ों भी बड़े बड़े। आपको कैमरे में मतलब फोन में देखोगे तो आपको मतलब नॉर्मल सा दिख रहा होगा, पर यार जब फोन से आके बाहर देखोगे ना वहाँ यहाँ पे, तो भाई आपको पता चलेगा भाई नेचर क्या है और यहाँ की सुंदरता क्या है। दोपहर के अभी भाई बज चुके हैं हमारे 12:18 और अभी ना कुछ समय का पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम हुए हैं क्योंकि यार मौसम थोड़ा ठंड का है इधर। और मौसम देखिए तो ऐसा लग रहा है भाई बस सुबह हुई है। और सच बताओ तो मुझे पता भी नहीं चला यार कि 12 बज गया क्योंकि अभी टी शर्ट टोल क्रॉस किया और वहाँ पर भाई फोन का देख रहा हूँ यार ये तो 12 बज गया यार, अब क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, रांची वाले जो भाई अपना बाईपास है उसके आसपास में है, अभी आगे चल के शोरूम ज़्यादा दूर है नहीं तो वहीं पे करके भाई नाश्ता खाना वाना सब खाया जाएगा फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। तो अभी फिलहाल चढ़ाई चढ़ाई थी है थोड़ी, तो आराम आराम से हमें निकलना पड़ेगा। देखो भाई घाटी का नाम भी दे दिया तैमारा घाटी, तो यार घाट भी चढ़ना पड़ेगा। ऐसी गाड़ी आराम आराम से चढ़ रही है, देख रहे हो चार नंबर लगा के और स्पीड आराम आराम से ऐसे ही चल रही है यार। ये घाटी का नाम देख के भाई और तो मतलब भड़का दिया क्योंकि भाई यार भड़का नहीं दिया, सामने घाटी भी है क्योंकि ये पहाड़ है ना और धीरे धीरे देखो चढ़ना भी है। ऐसी भी गाड़ी यार जोर ले रही है, चलो चार नंबर पे हम कंटिन्यू करेंगे। और डीजल की भाई मात्रा देखो, डीजल 512 लीटर पी गई भाई। और ये देखो यहाँ पे हर एक जगह पे भाई ना यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो भाई सही बात है। इसके लिए आपको बोलता हूँ नियम का पालन करें और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इट्स गुड। तो आ जाओ हम भी आराम से ना नियम का पालन करते हुए भाई आराम आराम से घाट को चढ़ते हैं। अभी एक बात और बताऊँ आपको, अभी देखो मेरा RPM 15 के पार है और स्पीड भी 35 है, ठीक। इस पे ये मत सोचना कि अभी मैं गियर लगा लूँ और गाड़ी भागेगी, अगर गियर लगाओगे ना तो गाड़ी भागेगी नहीं दब जाएगी। इसके लिए जितना भी चल रही है ना इसी पे प्यार प्यार से भाई घाटी चढ़ो, अभी नहीं तो गियर लगाओगे ना फिर भाई आपको 3 नंबर 2 नंबर भी लगाना पड़ सकता है। इसके लिए जितना पे इतना पे भाई हिसाब से एक्सीलेटर दे के जाने दो। अभी देखो गाड़ी दबने लगी, उतना ही है गाड़ी दबने लगी, इसके लिए बोल रहा था। थोड़ा सा डाउनिंग थोड़ा सा RPM अब जा रहा था, ये मत सोचना कि भाई गाड़ी फ्री हो गई, तो बस RPM अब जा रहा दिखाता है पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो 3 नंबर क्योंकि भाई ये घाट है या पता नहीं चलेगा पर आपको ना पूरा डाउन कर देगा। अभी यहाँ पे देखो फिर से भाई एक बोर्ड दे दिया, घाटी क्षेत्र कृपया धीरे चले सावधान, सबसे उल्टा पड़ रहा है यार ये तो 3x पे हो गया। तभी देखो यहाँ पे पूरा पूरा भाई पहाड़ी पहाड़ी पूरा,
जैसे कि देख सकते हो सामने घाट है ना, थोड़ा चढ़ाई है, गाड़ी हमारी दब रही है, स्पीड देखो। अभी इसमें बटन दिया हुआ हैवी टर्बो और लाइट, तो हैवी भी कर देंगे, अभी गाड़ी खींचेगी। ठीक, खींच ले भाई, खींच रही है देखो आराम आराम से ना, वो पता चल जाएगा आपको, आराम आराम से गाड़ी अभी खींच रही है, तो जा रही है आगे। अब देखो फ्री हो गई, ये टर्बो दिया है इस पर और डीजल खाएगी, ये हैवी पे लगभग नॉर्मल चलते रहो, ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े ना तभी अब हैवी का इस्तेमाल करो, नहीं तो अगर टर्बो दबा रहे हो और हैवी दबा रहे हो ना तो इंजन से अलग सी आवाज़ आती है, तो जिस हिसाब से आवाज़ आती है ना उस हिसाब से भाई ये डीजल भी पीती है। ठीक, तो आप हिसाब से ही आप भाई बटन का यूज करना, ठीक है, नहीं तो भाई डीजल बचेगा नहीं। ऐसे भी हमारा डीजल नहीं बच रहा है और चढ़ाइयों में ये मदद कर रहा है, गाड़ी जब दब रही है ना तो बटन का इस्तेमाल कर लो, गाड़ी दबेगी नहीं, आराम से चल जाएगी। और देखो स्पीड दिया है भाई 80 का, यार ये तो 20 की स्पीड भी नहीं चल रही है, तो 80 के कहाँ से भागेंगे हम, आ जाओ यार आराम आराम से हम पार करते हैं, क्या करें। अभी सामने दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको डाउनिंग, पर ये डाउनिंग सोचना मत, ठीक, अगर सोच लिए ना भाई कि डाउनिंग है मैं गियर अप करूँ तो अप करोगे फिर मारे जाओगे, क्योंकि गाड़ी आपकी पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक, अभी ये सामने से गाड़ी देखो, ये भी डाउनिंग में ही आ रही है पर इतना स्लो आ रही है, देख लो, क्योंकि भाई ये डाउनिंग दिखता है पर यहाँ पे गाड़ियाँ ना ज़्यादा दबती है, इसके लिए आराम आराम से चलते रहो, चलते रहो। 3 नंबर लगी है और RPM भाई 17 पे थी, अब कम हो रही है क्योंकि अब थोड़ी चढ़ाई है ना, इसके लिए स्पीड अपनी वही भाई 20 इसके लिए। घाटों पे अब ज़्यादा घाई मत करो, जितना प्यार से घाट चढ़ जाओ उतर जाओ ना उतना ही भाई बहादुरी है, अगर थोड़ा सा भी घाई किए तो भाई घाई करने का अंजाम आप जानते होंगे। अभी हम पहुंच गए भाया रामपुर और यहाँ से हमें लेना है राइट गोल सर्कल से, जो कि हजारीबाग प्लस भाई बरही वाले रोड पे जाएगा। आ जाओ लेते हैं राइट, भाई ये रोड तो बड़ा घुमा फिरा के है यार, हजारीबाग। तो अभी भाई हजारीबाग वाले रोड पे ना टर्न ले लिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे पॉइंट होती है ना वहाँ पे समझ में नहीं आता यार, गोलगन ऐसे ऐसे यानी समझ में नहीं आता कि कैसे घूमना है। ठीक, तो उसको बहुत हिसाब से अपने को देखना पड़ता है, ठीक है, फिर घूमते हैं। आ जाओ सामने दिखाऊंगा भाई, तो सामने देखो अभी रामगढ़ 53 किलोमीटर, रामगढ़ या रामपुर पे, अच्छा रामपुर यहीं पर था, और हजारीबाग 103 किलोमीटर, बरही 147 किलोमीटर, हमें आगे जाके भाई खाली करना है, तो आराम आराम से हम चलते हैं। अब भाई हमें इस सर्कल से मारना है राइट, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर बाद अपना भाई शोरूम है, आ जाओ पहले राइट मार लें अच्छे से। पार तो हो गए भाई सर्कल, पर यार इतने कामयाब ड्राइवर मिल जाते हैं ना रोडों पे, यार क्या बताएं, अभी कार वाले की आपको स्टोरी बताऊं ना, सच बताऊं यार दिल दहल जाने वाला है, उसको मैं उसमें एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक, फिलहाल कार वाले बहुत गलती करते हैं, आ जाओ पहले आगे निकले खाली कर देना, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं टिटानिया यानी रांची, जहाँ पे हमें खाली करना था भाई, बचा के ना भाई, पहले नीचे उतर लेते हैं शीशे देख के, नहीं तो क्या मालूम कोई कार वाला या ट्रक वाला भाई अपने साइड ग्लास है ना उसको खींच के लेके जाए। ये हो गई हमारी बिल्टी, और इस बिल्टी को देना है जहाँ पे गाड़ी खाली हो गई, और केबल भाई पहले ही निकाल के रख दिए थे, क्योंकि केबल लेना ना जब भाई सटा है केबल को भाई जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही भाई अपनी गाड़ी खाली हो सकती है, यानी फलका खुलेगा तभी ना भाई। अदर भाई गाड़ी तो ठीक ठाक लगी है, खाली करते हैं। अच्छा भाई फलका उलका खोलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं उतारना, और सारा चीज़ कर दिया यार, हाथ भी गंदे हो गए।
रखवाल का व्रत तो खोल दिया भाई, अपना काम है फटाफट बेल्ट निकालने का। तो मैंने पहले ही अंदर से घुस के ना बेल्ट दो चार खोल दिए थे, अब इसको बाहर करते हैं। तीन नीचे ये बोलेरो आ गई, दो एक्सयूवी आ गई है और एक एक्सयूवी शायद ऊपर है, उसके बाद स्कॉर्पियो है, एक बोलेरो भी है। अच्छा धीरे धीरे करके ना सारी कारें भाई उतारी जाए, यही अपना काम है भाई। क्या क्या भाई आ जाओ फटाफट चालू करते हैं भाई अनलोडिंग करना। एक गाड़ी भाई उतार दी बुलेरो, अब इसको लेके चलते हैं अंदर और यार्ड तक छोड़ते हैं। यार्ड के बाद भाई फिर दूसरी कार उतारेंगे, एक्सयूवी 700 जो कि अंदर है, देखो ऊपर स्कॉर्पियो है। ये एक गाड़ी भाई तो ले गया अभी ना, ये सारी गाड़ियां बची हैं, तो अभी एक काम करते हैं, पहले तो सारों का बिल्ड खोल लेते हैं, बिल्ड खोल के ना फिर चलेंगे खाना खा लेंगे, क्योंकि यार टाइम हो गया 1:00 ठीक, खाना ज़रूरी है, पहले खाना खा लेंगे, पहले बेल्ट खोल के फिर उसके बाद चलते हैं खाना खाने। हेलो भाई एक गाड़ी मैंने और उतार दी जो कि एक्सयूवी 700, तो ये है भाई, और अभी नीचे एक और एक्सयूवी बची हुई है अपनी, आ जाओ इसके लेके चलते हैं अंदर, उसके बाद आके ना खाना पीना खाते हैं। ये भाई छोड़ दी इधर एक बड़ोड़ा, खाना खा के लेके आता हूँ ना, है? खाना खा के लेके आता हूँ। नहीं नहीं अभी लेते हैं पूरा। हाँ पूरा चलो। अच्छा अच्छा देखिए भाई टाइम यही होता है, अभी सारी गाड़ी छोड़ के बार बोला कि पूछ लो, पर सारी गाड़ी खाली करने के बाद यानी तीन साढ़े तीन बज जाएंगे यार आज भी खाने का, यही समय होता है भाई, कभी टाइम पे मिलता है कभी नहीं। बारी है भाई ऊपर की, नीचे की सारी उतर गई। अर्जुन का एक्सयूवी का टॉप मॉडल नीचे लाते हुए, पहले गाइस फाल्कन का बंद कर दिया और ये दो गाड़ी उतार दी, एक मैं लेके चलूँगा और एक हमसे मिलने आए थे इनको भाई ये लेके चलेंगे ठीक। तो आ जाओ फटाफट ना दोनों कार डालते हैं अंदर, उसके बाद भाई ना यार खाना तो खाया ही नहीं, खाना खाया ठीक है, आ जाओ लेके चलो कोई से ले ले ठीक है। अभी भाई 3:30 बज चुके हैं और गाड़ी खाली है फिलहाल, अभी जाके ना हम होटल पे आए यार, अब फटाफट खाना खा लिया जाए और हमारे घर भाई सब बैठे हुए हैं, फिलहाल ऑर्डर हो चुका है, अब बस खाली अपने को खाना है, खाना खा के फिर ना भाई देखते हैं कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। ये भाई अपना लग गया कढ़ाई पनीर और बटर रोटी और सलाद, भाई भूख इतनी लगी है ना, मतलब भाई खाने के चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाया और बताया नहीं, तो फिलहाल खाते हैं और हम भैया
ठीक है भैया। तो भाई अपना खाना पीना हो गया फिलहाल, और गाड़ी ना सामने ही लगी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है गाड़ी। भाई दिख रही होगी थोड़ा थोड़ा, देखो वो भाई पिछवाड़ा दिख रहा है गाड़ी का, और होटल अपना भाई ये रहा। भाई सच बताऊँ तो कभी भी ऐसे होटल में ना मैं खाना खाने नहीं गया हूँ, ज़्यादा करके गुजराती होटल भाई अपना होता है, क्योंकि गुजराती होटल भाई फुर्सती में नहीं मिलते, कहाँ जाए। हाँ नहीं, गुजराती होटल मतलब आलिशान में ना हमारे इधर मतलब गाड़ीराज में गुजराती होटल ही मतलब बेस्ट है ट्रक ड्राइवर के लिए। हाँ, और उसे पंजाबी पंजाबी मतलब रांची साइड में, झारखंड साइड में गुजराती बहुत कम है। मतलब इधर करके बड़ा होटल में आज यही होटल में खाया हूँ मस्त। तो भाई होटल तो मस्त था, और कहीं ना खाना भी भाई बढ़िया था। तो आ जाओ भाई, अब निकलते हैं गाड़ी पे, और भाई से बातचीत करके अच्छा लगा। अभी और बातचीत करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद चलेंगे। एक बार होटल का व्यू देखो भाई, और मस्त होटल का नाम भाई ये रहा। तो भाई यहाँ पे ये निशान का है, BMW और ये स्कोडा MG प्लस महिंद्रा, भाई सारे ना यहीं पे आपको शोरूम मिल जाएंगे, जो कि एक ही डीलर के हैं। तो जीप आके आराम से खाली कर सकते हो आप, ये कितने लोगों को पता नहीं रहता। तो मैंने भी भाई यही आगे खाली की, और इसके अंदर भाई गाड़ी मैंने डाली है सारी की सारी। गाड़ी भाई खाली हो गई, फ्यूडी भी मिली गई, और खाना भी अपना हो गया, और भाई साहब से हम मिल भी लिए। और यार सच बताओ तो वही वाली फीलिंग है जब रास्ते में कोई अपने भाई साहब मिलते हैं ना, भाई फील इज द अमेजिंग भाई। ठीक है भाई, अब निकलते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया, स्टेयरिंग को करते हैं थोड़ा एडजस्ट, यार नीचे बैठ गई। अच्छा फिर कंटिन्यू किया जाए भाई। तो भाई ब्रही से 10 किलोमीटर पहले आके हम ना होटल पे रुक गए, छोटा होटल है, और फटाफट भाई खाना भी खा लिए। खाना खा के मस्त अब आराम करते हैं, क्या करें अब, इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा ना लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अच्छी सी वीडियो। बाय बाय एंड जय हिंद।